हेलो फ्रेंड्स, रेवा मशरूम फार्म में आपका स्वागत है। और आज मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए रूम के अंदर, जो हमारा प्रोडक्शन रूम है। तो ये मैंने जस्ट एक कूलर लिया है और कूलर को चारों ओर से बोरे से कवर कर लिया। मैंने एक पुराना कूलर रखा था मेरे पास, मैंने उसको लिया है और बोरे से मैंने इसको कवर कर दिया है और पीछे से भी पूरा कवर कर दिया। और अंदर जो जाली लगी रहती है, जो खस लगी रहती है, वुडवल जो लगी रहती है, वो अच्छी ज़्यादा भरा है मैंने उसके अंदर। और बोरों को मैंने गीला कर दिया है और ये अभी एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एयर देना चालू करी है इससे, और ये पूरा अंदर ही है, सेटअप के अंदर ही ये रखा है। मैंने कूलर को बाहर नहीं रखा है, जिससे कि कूलर के पीछे से उसको हवा ना मिले। जो भी अंदर की हवा रहे वो उसी को फैन हवा फेंके, तो वो जो हवा फेंक रहा है उसमें ह्यूमिडिटी क्रिएट हो रही है। और ये देख सकते हैं आप, अभी मेरे रूम की ह्यूमिडिटी हैगी 94 और 84। और मतलब ये जब मैंने चालू नहीं किया था तो उस टाइम मेरी ह्यूमिडिटी थी 70, और अभी मेरी पहुंच चुकी है 84-94। तो अभी अच्छी ह्यूमिडिटी भी है और रूम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं बाहर का टेम्परेचर होगा अभी 35-36 और मेरे रूम का टेम्परेचर 28-27 है। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर ये सक्सेस रहता है तो मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा और थोड़ा और इसमें चेंजेस करके इसको और डेवलप करूँगा। तो बने रहिए रेवा मशरूम फार्म के साथ, और ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी मैं अगला वीडियो डालूंगा तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा। तो गाइस, बने रहिए रेवा मशरूम फार्म के साथ। बाय।